you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. नमस्कार, जय हिंद। आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, हाउ टू रिसाइज फोटो एंड सिग्नेचर फॉर फॉर्म एप्लीकेशन। तो एक छोटा सा मेथड है, उससे आप जो है बड़ी आसानी से अपनी फ़ोटो और साइन को रिसाइज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई फॉर्म्स में केवल फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि आप वेबसाइट पर जो साइज़ उसमें बताई गई है, उस साइज़ में आप फ़ोटो और साइन को कैसे क्रॉप या रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल में ऑफिस लेंस जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस जो है उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और फिर जो है उसमें आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके और उसको JPG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। उसमें जब आप फ़ोटो स्कैन करेंगे उस समय आपको जो है क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी फ़ोटो को उसी साइज़ में क्रॉप कर लें और उसको JPG फॉर्मेट में सेव कर लें। इसी प्रकार आप अपनी सिग्नेचर को भी स्कैन करने के बाद जो है जब क्रॉप का ऑप्शन आता है तो उस टाइम ही क्रॉप करके और उसको JPG फॉर्मेट में सेव कर देंगे। JPG फॉर्मेट में सेव होने के बाद आप अपनी उन फ़ोटो को कंप्यूटर में इंपोर्ट करेंगे तो ये मेथड जो है कंप्यूटर में वर्क करेगा। तो आपको कंप्यूटर में उन फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पर मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और पहले मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। इसकी साइज़ जो है 15.2 KB है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद जो है उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर MS पेंट का जो है ऑप्शन दिखेगा, तो आपको MS पेंट पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइज़ जो है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर क्रॉप करके आपको और साइज़ बताऊँगा। अब इस फ़ोटो की साइज़ जो है वो 15.3 KB है। इसकी साइज़ जो आपको कम करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक रीसाइज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है रीसाइज़ पर। रिसाइज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर जो है 100 और 100 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में 100-100 लिखे हुए हैं। तो यदि आपको साइज़ कम करनी है तो पहले यहाँ पर 15.3 KB है, यदि आपको साइज़ कम करनी है तो आप इसको 100-100 को 50-50 में चेंज कर देंगे। कैसे देखेंगे आप, मैं यहाँ पर 50-50 लिख देता हूँ तो नीचे भी ऑटोमेटिकली 50 आ जाएंगे। तो अब आप इसको ओके करेंगे और फिर यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन आप दबाएंगे। यहाँ जो है सेव का ऑप्शन दिया गया, तो आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है रिसाइज करने के बाद। तो मैंने सेव पर क्लिक किया। अब मैं आपको साइज़ बताता हूँ, पहले साइज़ थी 15 point something थी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर साइज़ जो है वो 7.8 KB हो चुकी है। इसी प्रकार से आप जो है साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है आप MS पेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके PC में MS पेंट जो है मिलता ही है। तो इस प्रकार से आप अपने साइन और फ़ोटो की जो है साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज कर सकते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस प्रकार की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। Take a body's high.